मिल्लत है जिस्म जान है मोहम्मद अली जिना। कायदे आजम एक ऐसे अजीम रहनुमा थे जिनकी क़यादत में बरेशरीफ में मुसलमानों ने अपने लिए एक नए वतन के हकूक की खातिर बलबला अंगेज जिद्दोजहद अपने सियासी हरीफों के साथ मुज़ाकरात दोस्तों के साथ मुकद्दर बड़े लम्हात शिमला और दीगर मकाम पर कायद की शहर तस्वीर से कायद की जिंदगी के तमाम पहलू मंजर आम पर आ जाते हैं। इन तस्वीरों में वो एक इंतहाई मुख्तलिफ शख्सियत के तौर पर उभरते हैं। उनका लिबास रहन सहन का अंदाज देखने वालों को बगैर दिख जाता। हिस्ट्री यहाँ पे हमें पाकिस्तान की पता चलती है, ये पता चलता है कि कायदे आजम ने कैसे जद्दोजहद करके हमारे लिए एक अलहदा मुल्क बनाया। तस्वीर में कायदे आजम के 14 मकाम अंग्रेज हुक्मरानों से उनका अंदाजे मुखातिब और बयानात वाले ऐसे अखबार की अच्छी कापियाँ नजर आती हैं कि उस दौर के तमाम सियासी हालात सामने आ जाते हैं। कायदे आजम की अपनी अहलिया और साहबजादी के साथ तस्वीर से साबित होता है कि वो एक बेहतरीन शौहर ही नहीं एक अच्छे शरीक बाप भी थे। मैंने इस गैलरी से ये पता लगाया है कि पाकिस्तान कैसे वजूद में आया, इसको बनाने के लिए किस किस ने क्या क्या कोशिश की और इसको बनाते बनाते कायदे आजम पाकिस्तान से चले। गैलरी में तहरीके आजादी के अखबार इंकलाब और सीधार की अच्छी नमूर की आवेदा जिनसे मालूम होता है कि उन दिनों में मुसलमानों और उनके लीडरों के क्या जज्बात थे। इन अखबार में शाया होने वाली नस्लें और मजामीन उनके जज्बात की अकाशी करते हैं। सर सैयद अहमद खान, मौलाना फजल हक और अलामा इकबाल की तस्वीर भी तो तहरीके आजादी के कड़ी है। फकीर चिरंजी के कलम से लिखा कौमी दराना में गैलरी में जुलूस की तरह चमक रहा है। कैमरामैन सैयद मिराज कसबा, अख्तर हयात, सिटी 42।